एक बार फिर से हम हाजिर हैं दसवीं जमात उर्दू मीडियम का हिंदी ब्रिज कोर्स का 15वां दिन लेकर टेस्ट 2 है, जो कि है ना कसौटी नंबर 2 है, कसौटी नंबर 2 है। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे हर आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे और आप अपना काम मुकम्मल कर पाएँ। ब्रिज कोर्स हेतु अभ्यास कसौटी क्रमांक 2, कक्षा 10वीं, विषय हिंदी, अंक 10। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित कृतियाँ कीजिए, यानी नीचे दी हुई सरगर्मियाँ मुकम्मल कीजिए। अ, संजाल पूर्ण कीजिए, झंडे की विशेषताएँ। आपको झंडे की जो है हमारे राष्ट्रीय झंडे की विशेषताएँ, खूबियाँ बतानी है, खासियत बतानी है 4। तो इसका जवाब हम लोग देखते हैं। झंडे की विशेषताएँ, पहला आएगा हमारी शान, हमारा झंडा हमारी शान है। दूसरा है सदियों का बल पौरुष, तीसरा हमारा बलिदान और चौथा हमारा अरमान। अगला क्वेश्चन है आ, उचित जोड़ियाँ मिलाइए। अ और आ है ना, तो दूसरे की करतूत पर गर्व करने वाला, सागर को नित्य जलाने वाला, झूठी स्पर्धा करने में मरने वाला। तो यहाँ पर देखते हैं, पहला है दूसरे की करतूत पर गर्व करने वाला मेघ, मेघ से जोड़ी लगाना है आपको। दूसरा सागर को नित्य जलाने वाला वाड़ाओ। तीसरा झूठी स्पर्धा करने में मरने वाला मेघ। अगली कृति है ई, निम्नलिखित मुहावरों कहावतों में गलत शब्दों के स्थान पर सही शब्द लिखकर उन्हें पुनः लिखें, है ना। आपको कुछ मुहावरे दिए हुए हैं, गलत मुहावरे हैं, उसको सही करके हमें लिखना है। तो देखिए, पहला है टोपी पहनना, तो टोपी पहनना गलत है, इसका सही जो आएगा वो आएगा टोपी पहनाना। दूसरा गीत न जाने आंगन टेढ़ा, तो उसका सही से आएगा नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तीसरा अदरक क्या जाने बंदर का स्वाद, तो इसका सही करेंगे तो बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तीसरा है कमर का हार, तो उसका गलत है गले का हार। पांचवा नाक की किरकिरी होना, आँख की किरकिरी होना, गेहूँ गीला होना, सही है आटा गीला होना। अब पछताए होत क्या जब बंदर चुग गए खेत, तो उसका सही करेंगे हम लोग अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। आखिरी है दिमाग खोलना, इसका सही है दिमाग खाना। अब देखते हैं आगे क्या है। प्रश्न नंबर 2, सौमत लिखिए, मजमून सौमत लिखिए। अगर सागर ना होता तो, है ना, तो यहाँ पर हम देखेंगे उत्तर, यदि सागर ना होता तो। प्रश्न अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण है। सागरों में अथाह जलराशि है, ये जलराशि पृथ्वी के तापमान को कम करती है। सूर्य से आने वाली ऊष्मा को सागर जज्ब कर लेता है। यदि सागर ना होता तो इस ऊष्मा के कारण हमारी धरती पर न जाने कितनी गर्मी होती। सागरों में इतनी विशाल जलराशि ना होती जो जल भाप के रूप में बादल बन जाता है, वो हम कहाँ से लाते। बारिश की कमी हो जाती, हम सभी प्राणी मीठे जल से वंचित रह जाते। पृथ्वी पर वनस्पति ना होती तो जीव जंतुओं का अस्तित्व भी समाप्त हो जाता। दूसरा टेस्ट यहाँ पर ख़त्म होता है ना। आप लोग इस तरीके से जवाबात लिखकर, उत्तर लिखकर अपना ब्रिज कोर्स कंप्लीट करें और इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहें। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।